हैं और इस उदयपुर शहर के विधायक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन है। आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया दो दो जने चार चार जने करके सभी बता रहे और भाई साहब का सम्मान करें। जितने भी सब जने खड़े हैं यहाँ पे सब एक एक करते हैं और इधर से वापस इन्हीं सीढ़ियों से वापस अपन नीचे की तरफ उतर दे जाए। युवा मोर्चा अंदर भी आ रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में। आज हमारे गृह मंत्री और मेवाड़ के ऐसे संबंध जिसको कहे, जो वास्तव में जनता के लिए और देश के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर रखा है, ऐसे हमारे राजस्थान के गृह मंत्री और उदयपुर के लोकप्रिय विधायक गुलाब जी भाई साहब का आज 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो अपने आप को वो कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ और जन सेवा में मैं काम कर रहा हूँ, और इतने सालों की राजनीति में उन्होंने जनता के लिए ही सब कुछ किया और आज इतना आप देख रहे हो धूमधाम से। सुबह से लेकर अभी तक और रात को 10 बजे तक का कार्यक्रम फिक्स है और यहाँ से भी इतने ही भीड़ में इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको लंबी आयु दे और जनता की सेवा करते रहे, ऐसी हमारी पूरे उदयपुर वासियों की मांग है। भगवान से प्रार्थना है कि इनकी लंबी उम्र रहे, देह और स्वस्थ रखे। धन्यवाद। आदरणीय हमारे मेवाड़ के लाल और हमारे सबके आदर्श आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जो आज जन्मदिन है, इसको जिस उत्साह से मनाया जा रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से इनके दुर्गायु होने की हम कामना करते हैं और जिस तरह से ये इस पूरे राजस्थान की सेवा कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, ये अपने सबके सामने है। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, जिस तरह से ये जन सेवाओं में लगे हुए हैं ऐसी सेवाएँ करते रहे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता जो भी थे, सब ने मिलकर उनका 75वां जन्मदिन मनाया और हमने 75 किलो का लड्डू बना के और काटा, यानी कि जन्मदिन का प्रोग्राम रखा गया है और आप यहाँ आप शुरू से आप यहीं थे तो कितनी अच्छी और सादगी से जन्मदिन मनाया गया, ये आपको कहने की जरूरत नहीं। आदरणीय गुलाब चंद साहब हमारी यही दुआ है कि 100 साल जिए। धन्यवाद। हमारे आदरणीय विधायक और जन जन के लाडले, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन 75वां आज हमने बड़े हर्षोल्लास से उदयपुर भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के द्वारा मनाया गया। शहर जिला के अंतर्गत हमारा अंबेडकर मंडल आता है और हम प्रतिवर्ष भाई साहब का जितना जन्मदिवस होता है जन्मवर्ष उतने ही किलो का हम यहाँ पर लड्डू वितरण कराते हैं और एक ही लड्डू बड़ा बनाते हैं। हमने पिछले 4 वर्ष से ये काम चालू किया है। आज 75वां उनका जन्मदिवस है और 75 किलो का लड्डू बनाकर यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। जिस विधायक ने और जिस विकास पुरुष ने उदयपुर शहर की जनता को इतना काम
यहाँ पे करके दिया है। हम पूरे अम्बेडकर मंडल की तरफ से और पूरे भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की तरफ से हम यही चाहते हैं कि भंसा शतायु हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 108 किलो का भी केक बनाने का हमें लड्डू बनाने का हमें मौका भगवान प्रदान करें। हम सभी जने चाहते हैं कि गुलाब जी भाई साहब स्वस्थ रहें, खुश रहें और संगठन में इसी तरीके से इस उदयपुर के विकास का काम करते रहे। आप सभी भी कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर अम्बेडकर मंडल में इस कार्यक्रम को मनाया गया। आप सभी जने यहाँ पर पधारे, में अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे प्रेरणा के स्रोत और कर्मठ जुझारू उदयपुर की दिन और रात चिंता करने वाले अपने सारे शारीरिक पीड़ा को दूर करके पूरे आध्यात्मिक रूप से उदयपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए लगे हैं। संगठन को लेकर के चलना और उदयपुर ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरे संपूर्ण राजस्थान का ध्यान रखने वाला विकास पुरुष माननीय गुलाब जी भाई साहब को माँ भगवती इन नवरात्र के दिनों में प्रार्थना करते हैं माँ भगवती इतनी ऊर्जा दे कि ये हमेशा ऊर्जावान रहे और चलते रहे और सारे देश की या हमारे राष्ट्र की हमारे उदयपुर की सेवा करते हुए और प्रेरणा दें। ये हमारी प्रेरणा है और हम इनके कदमों पर चलते रहेंगे। मैं राकेश राठौर आज हमारे राजस्थान के गृह मंत्री और हमारे उदयपुर के जन जन के लाडले मेवाड़ के शहर भाई साहब श्री गुलाबचंद जी कटारिया का आज 74वां जन्मदिन है, जिस पर आज भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उल्लास से उनका जन्मदिन मनाया और भाई साहब को दीर्घायु की कामना महाकाल किसी तरह से आशीर्वाद देता रहे, यही हमारी स्वेच्छा है। और कार्यकर्ता सभी भाई साहब की विधानसभा में भाई साहब भारी मतों से विजय होकर जाए, यही हमारी कामना है। राजस्थान के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय कटारिया साहब का आज 74वां वर्ष पूरा हो गया, हम उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं और जिस प्रकार से राजनीति के इस जीवन काल में उन्होंने समाज को जो कुछ दिया है तो निष्काम कर्मयोगी की तरह ईमानदारी के साथ जो जनता की सेवा की है और इस शहर को कई सौगातें उन्होंने प्रदान की है, मेरा मानना है कि राजनीति में इस प्रकार के बिगड़े लोग होते हैं जो केवल और केवल ईश्वर में जो जिन व्यक्तियों को उनका अवसर प्रदान जिन व्यक्ति अवसर प्रदान करते हैं और अवसर प्रदान करने के बाद व्यक्ति ईश्वरीय कार्य को अनुभव करते हुए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ इस प्रकार के मन के अंदर भाव रखकर आगे कटारिया साहब ने जो कुछ शहर के लिए किया है मेवाड़ के लिए किया है मैं उनको अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ जो स्वस्थ रहें निरोग रहें और राजनीति के अंदर कामयाबी के शिखर पर पहुँचे और जो कुछ भी सपने शहर के विकास के हैं क्योंकि एक सदस्या के रूप में जो उन्होंने काम किए हैं हम सबके सामने मिलते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार का मार्गदर्शन इन पांचों बोर्डों को मिला है वह वास्तव में शहर के अंदर निरंतर जो विकास के कार्य कर रहे हो रहे हैं उनके कारण सारे राजस्थान के अंदर उदयपुर नगर को विशेष दृष्टि करता है और इसके पीछे किसी व्यक्ति की सोच है आगे कटारिया साहब की। मैं एक बार पुनः कटारिया साहब को बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके राजनीतिक जीवन की शुभकामना देते हुए एक राष्ट्रीय संत के रूप में जिसमें राजनीति में रहकर कार्य कर रहे हैं हम सब के लिए एक अनुकरणीय कार्य। हाँ, अम्बेडकर मंडल के आदरणीय हमारे अध्यक्ष चंडाला जी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं और उन्होंने आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनके जन्मदिन की उन्होंने बधाई दी है। तो सिर्फ आदमी को उनके कार्यों के द्वारा पूजा जाता है, निष्काम कर्मियों के रूप में जिस प्रकार से आदरणीय कटारिया साहब काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं केवल काम और काम निष्काम कर्म निष्काम कर्म किसको कहते हैं ये कोई सीखी आदरणीय कटारिया साहब से। धन्यवाद। मैं कमलेश जावरिया अम्बेडकर मंडल महामंत्री आज गुलाब जी कटारिया गृह मंत्री राजस्थान सरकार का जन्मदिवस था, 75वां जन्मदिवस था। हम प्रतिवर्ष लड्डू बनाकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, इस वर्ष 75 किलो का लड्डू बनाकर उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया, सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास से भाग लिया,
सभी ने उनका स्वागत किया और जो इस प्रकार से हम उनका जन्मदिन कम से कम 5 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई साहब 105 साल तक दीर्घायु रहे और उनका हम रेगुलर इस प्रकार से जन्मदिन मनाते रहें और उनका स्वागत करते रहें। उन्होंने उदयपुर को जो दिया है उनके लिए हमारा प्राण न्यौछावर है उनके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोविंद लाल ओढ़, भाजपा कार्यकर्ता। आज हमारे राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय रामचंद्र जी कटारिया साहब का आज जन्मदिन था। आज सुभाष चौक अल्लाहतली चौराहे पे आज अंबेडकर मंडल द्वारा धूमधाम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय अतुल चंडाल जी के नेतृत्व में आज जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन की सारी जिम्मेदारी महामंत्री कमलेश जावरिया, जो कि हमारे पूर्व वार्ड पार्षद एवं अंबेडकर मंडल के हमारे महामंत्री है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी दी और उनके नेतृत्व में आज ये भव्य कार्यक्रम हुआ है और भव्य कार्यक्रम के दौरान यहाँ 75वें वर्ष में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। भाई साहब तो उनका 75वां जन्मदिन मनाया है और ईश्वर से ये कामना करता है कि उनको हमेशा लंबी उम्र दे, उनकी उम्र सदा रहे और पार्टी में हमेशा हमारा ऊपर आशीर्वाद उनका बना रहे ताकि इस पार्टी को हम विजय दिलाने में सफलपूर्वक कार्य करें और उनका आशीर्वाद हमारे मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। जाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।